मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम टॉपिक टॉलुइन के बारे में चर्चा करेंगे, इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला के बारे में भी चर्चा करेंगे, स्ट्रक्चर फार्मूला के बारे में भी चर्चा करेंगे, इसकी शेप के बारे में भी जानकारी करेंगे कि इसकी शेप कैसी होती है। इसमें प्रयोगशाला विधि फीडल क्राफ्ट अभिक्रिया, इसे हम फीडल क्राफ्ट अभिक्रिया कहते हैं, ये नेम रिएक्शन है। नंबर वन, ये फीडल क्राफ्ट अभिक्रिया में देखते हैं कैसे बनता है हमारा टॉलुइन। C6H5H+ClCS3 ये होता है हमारी उपस्थिति, इनकी रहेगी और निर्जलीकरण AlCl3 का रहेगा। तो क्या होता है दोस्तों, C6H5 यहाँ पर भी ऐसा ही रहेगा, CS3 यहाँ से आ जाएगी क्रिया करके CS3, और H और Cl बचेगा, ये दोनों आपस में क्रिया करके HCl का निर्माण करेंगे, और यहाँ पर C6H5CS3 ये बन गया हमारा टॉलुइन। इसकी C6H5 की हमने संरचना बना दी है और CS3 ऊपर लग गया, इसे ही हम बोलते हैं टॉलुइन। नंबर दो है बूटस फिटिंग अभिक्रिया, ये भी नेम रिएक्शन है, इसके द्वारा हम टॉलुइन बनाएंगे। देखिए C6H5Br+2Na+BrCS3 ये हैं, तो हम ये हैं हमारे तत्व, इनको देखते हैं क्रिया करवाएंगे तो क्या होता है। Br इसका और Br एक यहाँ उपस्थिति है +2Na, तो हम क्या करेंगे 2Na Br को हम निकाल लेंगे, इधर दो दो बार है तो इसे अलग कर देंगे, बाकी ये बचा C6H5CS3, ये भी हमारा क्या बन रहा है टॉलुइन बन रहा है। इस प्रकार से हम टॉलुइन बना लेंगे। दोस्तों इसके भौतिक गुण क्या हैं, रंग हीन द्रव तथा जल में अम्लीय है तथा अल्कोहल ईथर में विलेय है, इसका कथनांक 111 डिग्री सेल्सियस होता है। दोस्तों इसका जो कथनांक होता है 111 डिग्री सेल्सियस होता है। दोस्तों इसकी क्रियाकरण नाइट्रीकरण क्या होता है इसको भी देख लेते हैं। ये हमारी टॉलुइन बेंजीन है, CH3 है, तो हम क्या करेंगे प्लस सांद्र HONO2 से क्रिया करवाएंगे, तो सांद्र H2SO4 है उपस्थिति रहेगी, तो हमारा बन जाएगा CH3NO2, यानी मेट्रा नाइट्रो टॉलुइन बन जाएगी हमारी दोस्तों। और हम इसका नाइट्रीकरण करवाते हैं, जो हमारी टॉलुइन है उसका हम नाइट्रीकरण करवाएंगे तो मेट्रो नाइट्रो टॉलुइन बन जाएगी। दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।